नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पिंडा। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। कोरोना महामारी से देश की हालत अस्त व्यस्त हो गई थी, देश के लोग भी परेशान थे, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी माइनस में चली गई। लेकिन इस बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबके बावजूद अगर हम दवाइयों की बात करें, यानी इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करें, तो उनकी जो बिक्री हुई है और लोगों ने जो खरीदारी की है वो चौंकाने वाली है। जी हाँ, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की एक साल में इम्यूनिटी बूस्टर्स की खरीदारी हुई है और ये वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इम्यूनिटी बूस्टर्स की इतनी ज़बरदस्त जम के किसी ने खरीदारी की हो। और खरीदारी करने का कारण भी था क्योंकि कोरोना से हमारी इम्यूनिटी लो हो जा रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो कई दवाइयों के थ्रू अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते थे। जी हाँ, उसमें वो कई तरह के काढ़ा पीते थे, कई तरह के इंजेक्शन लेते थे और कई तरीके के दवाइयाँ का जो सेवन है वो लगातार करते थे। तो ये जरा सोचिए कि 15,000 करोड़ की जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स की बस बिक्री हुई है एक साल के भीतर। इस पर हमने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट कि आखिर इसमें किन चीजों की कितनी खरीदारी हुई है। एक साल में भारतीयों ने इम्यूनिटी बूस्टर्स ड्रग्स खरीदने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, भारतीय नागरिकों ने विटामिन सप्लीमेंट और दूसरे इम्यूनिटी बूस्टर्स पर पिछले 12 महीनों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन ड्रग्स और मिनरल सप्लीमेंट की बिक्री 14,587 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। सिर्फ विटामिन डी की बिक्री का आंकड़ा 817 करोड़ रुपए रहा, जो कि 40% ज्यादा रहा है पिछली बार के मुकाबले। इसी तरह जिंक सप्लीमेंट की बिक्री का आंकड़ा 183 करोड़ रहा। अगर हम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिसिस्ट एंड ड्रग्सिस्ट की आंकड़ों के देखें तो जून 2020 से मई 2021 तक के भीतर भारतीयों ने 1,220 करोड़ के एंटीवायरल ड्रग फेविपिरिविर खरीदा। इसके बाद 833 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री हुई है। इसी के साथ अगर देखें तो एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन की बिक्री 992 करोड़ रुपए की हुई है। जी हां, तो देख रहे हैं कि ये पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और ऐसी कई दवाइयों की बिक्री जो है वो लगातार हुई है, जिसके बाद से जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एंटीबायोटिक और इम्यूनिटी बूस्टर्स के ऊपर। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने जमकर जो है दवाइयां खरीदी हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स खरीदे हैं, क्योंकि आखिर कोरोना से लोग परेशान हो गए थे और उनके पास कोई चारा नहीं था दूसरा। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे थे कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ाएं। तो इस बीच विटामिन सी और विटामिन डी की जो दवाइयाँ हैं वो खूब जम के बिकी हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था पर तो चोट आई ही है, देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। वहीं अगर लोगों की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में भी को जरूर नुकसान हुआ है। जी हाँ, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है देश के लोगों का। इस पर भी हमने तैयार की है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी से भारतीय परिवारों को इस साल 66,000 करोड़ रुपए का फटका लग सकता है। 2019-20 में देश की 5% प्राइवेट खर्च हेल्थ सर्विसेज पर था। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस साल अस्पताल और दवाओं का खर्च बढ़ने से भारतीय परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। अस्पताल में इलाज के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। कोरोना के प्रकोप से पहले भी अधिकांश भारतीय इलाज का खर्च अपनी जेब से ही देते थे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 65% भारतीय इलाज का खर्च खुद उठाते हैं। चीन में यह आंकड़ा 35% है और थाईलैंड में 10% है। इसकी वजह यह है कि भारत में हेल्थ केयर पर खर्च करने वाले राष्ट्रीय आय का महज 1% है, जो कि 3% के आधिकारिक लक्ष्य से बहुत कम है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी तो इसने कई परिवारों का बजट बिगाड़ कर रख दिया। प्रति व्यक्ति आय घटी। सरकारी अनुमानों के मुताबिक 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में 8,637 रुपए की कमी आई है। मान लीजिए कि सभी प्राइवेट और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आय प्रभावित हुई है, इससे कुल 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस अतिरिक्त बोझ से परिवारों को अपना खर्च कम करना पड़ेगा। इन सब कारणों से भारतीय परिवारों को कुल 66,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कि 2019-20 में भारतीय परिवारों द्वारा हेल्थ पर किए गए 6,00,000 करोड़ रुपए खर्च का 11% है। चलिए अब इसी के साथ आखिर जान लेते हैं कि फार्मा सेक्टर में भारत की क्या स्थिति है, क्या हाल है फार्मा सेक्टर के, और इसी के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में भारत का कितना स्थान है और जीडीपी का कितना हिस्सा भारत ने इस बार स्वास्थ्य सुरक्षा
सुरक्षा पर खर्च किया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में फार्मा सेक्टर की स्थिति की बात करते हैं तो करीब 40 लाख लोग भारत की फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं। विश्व के अलग अलग बीमारियों के 50% टीकों की मांग भारत से ही पूरी होती है। अमेरिका में सामान्य दवाओं की मांग का 40% और ब्रिटेन की कुल दवाओं की 25% आपूर्ति भारत में निर्मित दवाओं से ही होती है। इसके अलावा विश्व भर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए प्रयोग की जाने वाली एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की 80% आपूर्ति भारतीय दवा कंपनियां ही करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो कोरोना महामारी ने हर देश का अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का सबक जरूर सिखा दिया है। गरीब देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात आज भी काफी सीमित हैं। वैश्विक स्तर पर जारी होने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत 195 देशों में 57वें स्थान पर है। इसके बाद जान लेते हैं कि जीडीपी का 1.4 हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च हुआ है, जिसमें नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च 2.5% करेगा। निजी और सरकारी क्षेत्रों का संयुक्त खर्च जीडीपी का 3.9% होगा, जिसमें से सरकारी खर्च का हिस्सा सिर्फ 30% है। स्वास्थ्य सेवाओं पर ब्राजील 4.6% खर्च करता है, चीन 5.6%, इंडोनेशिया 3.9%, अमेरिका 48% और ब्रिटेन 8.3% खर्च करता है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय दर भी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये डीएनपी इंडिया का रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता भी चली होंगी इस वीडियो के माध्यम से। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पर अपनी कॉमेंट ज़रूर दें और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।